चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं. इन द गिवन सर्किट वो कह रहा है कि व्हेन द करंट रीचेस स्टेडी स्टेट इन द सर्किट. नाउ व्हाट डज द वर्ड स्टेडी स्टेट मींस, इसके बारे में हमको ये चीज समझनी पड़ेगी. प्लस द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विल बी. ठीक है, दो चीजें हमको यहां पे पहले समझनी है. सबसे पहली चीज की स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है. What does the word steady state means? अगर क्वेश्चन में कभी ये लिखा हो कि करंट रीचेज द स्टेडी स्टेट इन द सर्किट, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो गया है. आपका कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया है. जब आपका कैपेसिटर सर्किट में फुली चार्ज हो जाता है तो फिर आप स्टेडी स्टेट करंट के बारे में बात करते हैं. तो आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर आपको नीचे वाली रो में दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है. अगर वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है तो अब आपका सर्किट जो है वो इस तरह से दिखना चाहिए. ये आपका फाइनल सर्किट हो जाएगा. यहां पे आप E लिखेंगे, यहां पे आप R लिखेंगे और यहां पे आप R2 लिखेंगे. अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने सेंटर वाले सर्किट को इंक्लूड नहीं किया, मतलब यहां पे जो सर्किट था जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ था मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया. मैंने उसको इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि एक बार आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उस फुली चार्ज कैपेसिटर के थ्रू वापस करंट फ्लो नहीं होता, मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. इसलिए हमने उस ब्रांच को, पर्टिकुलर ब्रांच को यहां पे इंक्लूड करना ठीक नहीं समझा क्योंकि वहां पे करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, तो उसको इंक्लूड करके मतलब क्या है, इसलिए हमने उसको निकाल दिया. ठीक है, फिर क्या चाहता है वो आपसे, फिर वो आपसे ये चाहता है कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विल बी. हमको ये बताना है कि कितना चार्ज उस कैपेसिटर में है. अब आप सोचेंगे सर आपने कैपेसिटर तो सर्किट से निकाल दिया, फिर आप उसका चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे. कर सकते हैं हम लोग फाइंड आउट, क्योंकि चार्ज निकालने के लिए हमें बेसिकली किस चीज की जरूरत होती है. ठीक है, अगर आपको पता होगा क्यू इज इक्वल टू सी वी नाम का फॉर्मूला होता है. क्यू जो है वो कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है वो, सी जो है दैट इज योर कैपेसिटेंस, एंड जो वी है वो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. Now if you'll understand this thing, options में C आपको देखने को मिल रहा है. सब जगह पे सी 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 लिखा हुआ है, मतलब C के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी C के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म हो, जैसे पहले ऑप्शन में E टाइम्स R1 अपॉन R1 प्लस R लिखा हुआ है, ये सब चीजें V के बारे में डिपिक्ट कर रही है. मतलब हम लोग को सिर्फ V निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा. V कहाँ का निकालना है, आपको V इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है. ठीक है, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज X एंड लेट मी टेक दिस पॉइंट एज Y. तो अगर आपने V निकाल लिया, कहां का निकाल लिया, अगर आपने V एक्स वाई निकाल लिया बिटवीन दीज टू पॉइंट, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ था, तो वही आपका वोल्टेज होगा कैपेसिटर का. सिर्फ आप वहां पे पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ पे अटेंशन. ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट कि अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में बात कर रहे हो तो सिमिलरली ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स के बीच का भी वोल्टेज सेम होगा. एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो तीनों ब्रांचेस में वोल्टेज सेम होगा, बिकॉज तीनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में. तो आप इस पर्टिकुलर ब्रांच का वोल्टेज निकालने से अच्छा आप इस पर्टिकुलर ब्रांच का वोल्टेज निकालिए, और वही सेम वोल्टेज इस वाले ब्रांच में भी होगा जिसमें कैपेसिटर था, क्योंकि सब पैरेलल में है तो वोल्टेज हर जगह पे तो सेम ही मिलने वाला है आपको. तो सपोज कीजिए कि यहां से करंट निकल रहा है, अगर हमें यह बताना है कि इस करंट की वैल्यू कितनी है तो आप कैसे बताएंगे. करंट की वैल्यू होगी I, वोल्टेज टोटल है कितना E, और टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R2. अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो अब आपको समझेगा कि मैंने वो वाला सर्किट टोटली इरेज ही क्यों कर दिया है, क्योंकि जब आप सर्किट का टोटल करंट लिखेंगे तो कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टेंस हमने लगाया था R1 जो सर्किट में दिखाई दे रहा है उसका इस्तेमाल सर्किट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि करंट उससे फ्लो ही नहीं कर रहा, तो उसका रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे, इसलिए हमने उसको निकाल के फेंक दिया. जब सर्किट बनाओगे तो ऐसे ही बनाइए ताकि क्लैरिटी आपके दिमाग में आए. मैंने टोटल करंट ऑफ द सर्किट क्यों निकाला है, क्योंकि अगर मुझे वोल्टेज निकालना है किसी की भी चीज के अक्रॉस, फॉर एग्जाम्पल मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकालना है, तो वी एक्स वाई विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, दैट्स आई मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज हियर मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस हियर. तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना है R2, सो व्हाट विल बी द वोल्टेज, मैंने अभी भी निकाला E R प्लस R2 इनटू R2, ये आपका वोल्टेज आ जाएगा. इसको हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां पे. तो आपका Q कितना आना चाहिए, Q इज CV
तो आपका क्यू कितना आएगा, सी ई आर टू अपॉन आर प्लस आर टू। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको समझेगा कि फोर्थ ऑप्शन इज द मैचिंग ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन वो ऑप्शन है जो यहां पे मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं सी ई आर टू अपॉन आर प्लस आर टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है, अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 3.50 सेंटीमीटर उन्होंने उस रॉड की लेंथ लिखी है। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किया है इस रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, पहले ऑप्शन में मीटर स्केल बोल रहा है, दूसरे ऑप्शन में वर्नियर कैलिपर बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन में स्क्रू गॉज है और लास्ट ऑप्शन में भी स्क्रू गॉज है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि जब उन्होंने इस तरह की रीडिंग ली तो इस तरह की रीडिंग लेने के लिए उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए। ठीक है ना, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होगा जिन्होंने ऐसा रीडिंग निकाल के उनको दिया। तो वैल्यू आपके पास 3.50 सेंटीमीटर की आई है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर का होगा। दिस शुड बी द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस जिसका उन्होंने इस्तेमाल करके ये वैल्यू कैलकुलेट किए। ठीक है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का होता, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू वो ये वाला नाप सकता है, 0.1 सेंटीमीटर इज द मिनिमम वैल्यू जो आपका डिवाइस नाप सकता है, तो आपकी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर तक ही आती। बट क्योंकि आपने 3.50 सेंटीमीटर तक वैल्यू नापी है, इसका मतलब ये है कि आपका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको लीस्ट काउंट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट अगर आप चीज यहां पे पढ़ेंगे वो कह रहे हैं अ मीटर स्केल। सबसे पहली चीज में आप अगर नोटिस करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल में तो यहां पे लिखा हुआ है कि अ मीटर स्केल वॉज यूज। चलिए मीटर स्केल के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि मीटर स्केल होता क्या है। ठीक है, जो आपके पास एक स्केल होता है, नॉर्मली जो आप एक स्केल यूज करते हैं वो आपका मीटर स्केल है। ठीक है ना, वो इन्होंने यूज किया इस चीज को नापने के लिए। अगर आप मीटर स्केल नापेंगे तो आपको पता होना चाहिए, सपोज कीजिए यहां पे लिखा हुआ है 0 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये आपका मीटर स्केल है। 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है या 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, तो ये 0 सेंटीमीटर है, यहां पे 1 सेंटीमीटर। 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको ऐसे 9 डैश दिखाई देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 9 आपको यहां पे डैशेस दिखाई देंगे। ये डैश का मतलब क्या है कि ये मिनिमम इतनी वैल्यू नाप सकता है। 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको टोटली कितने डिवीजन दिखाई दिए, टोटल आपको 10 डिवीजन दिखाई दिए इंक्लूडिंग द 1 सेंटीमीटर का डिवीजन, और अंदर 9 डिवीजन होते हैं। तो ये जो डिवीजन या डैशेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपका लीस्ट काउंट बताएगा। तो इस चीज को देख के अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना आएगा। एक चीज यहां से लेके यहां तक इतनी एक चीज कितने की होगी, इतनी एक चीज होगी 1/10 की, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 0.1 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, क्या लिखा हम लोगों ने, टोटल 1 सेंटीमीटर का है और टोटल के अंदर 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितने का आया, ये क्या निकाला अपन ने, 1 डिवीजन निकाला। तो ये जो 1 डिवीजन आया दैट इज योर लीस्ट काउंट हियर, वो उतना मिनिमम नाप सकता है, तो वो कितना आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर। पर अगर आपने नोटिस किया तो आपका लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए था डिवाइस का, 0.01 सेंटीमीटर होना चाहिए था, इसका मतलब मीटर स्केल का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेट्स चेक आउट द सेकेंड थिंग। सेकेंड थिंग में आपने यूज किया एक वर्नियर कैलिपर, वेयर द 10 डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल, 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल VSD बोलेंगे हम लोग इसको, मैचेस विथ, मैचेस मतलब इक्वल टू 9 डिविजन ऑफ द मेन स्केल, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, एंड द मेन स्केल हैज 10 डिविजन इन 1 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल मेन स्केल का जो है, मेन स्केल का डिवीजन भी उन्होंने दिया हुआ है, मेन स्केल का जो डिवीजन है वो कितना है, वो 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, मेन स्केल में 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर। पहले इस चीज को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां से
आप वन वर्नियल स्केल डिविजन्स निकालिए, वो आपको मिलेगा 9/10 मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है। यहां से आप लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखिए, वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वन मेल मेन स्केल डिविजन माइनस वन वर्नियल स्केल डिविजन। लीस्ट काउंट विल बी वन मेन स्केल डिविजन माइनस 9/10 एमएसडी। यहां से आपको लीस्ट काउंट कितना आएगा 1/10 एमएसडी, ठीक है, ये आपका लीस्ट काउंट आ रहा है। बट हाउ मच इज 1 एमएसडी? ही इज गिवन 1 एमएसडी इज हाउ मच, 1 मेन स्केल डिवीजन हैज 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल डिवीजन का जो है एक डिवीजन होगा वो कितने का होगा 0.1 सेंटीमीटर का। अभी हमने सिमिलरली यहां पे भी निकाला था, ठीक है ना, यही है, मेन स्केल में ऐसा ही होता है, 0 से 1 के बीच में 10 डिविजन होते हैं, तो एक डिविजन कितने का हुआ 0.1 सेंटीमीटर का हुआ। तो अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो लीस्ट काउंट आपका कितना आएगा 1/10 इंटू एमएसडी की जगह पे आप पुट करेंगे 0.1 सेंटीमीटर, तो आपका लीस्ट काउंट कितना आना चाहिए, आपका लीस्ट काउंट आना चाहिए 0.01 सेंटीमीटर, एंड दैट इज एग्जैक्टली मैचिंग विथ आवर लीस्ट काउंट। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उन्होंने पक्का एक वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया है जिसमें 10 डिविजन है, जिसके 10 वर्नियर 10 वीएसडी मैच कर रहा है 9 एमएसडी के साथ, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। स्क्रू गॉज के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि स्क्रू गॉज में क्या हो रहा है। स्क्रू गॉज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किसी स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट किस तरह से निकालते हैं। हम स्क्रू गॉज की बात कर रहे हैं, इसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सीएसडी, दैट इज सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। पिच और सर्कुलर स्केल डिविजन्स स्क्रू गॉज में गिवन होने चाहिए। अगर आप रीड करेंगे आपका थर्ड ऑप्शन, तो उसमें गिवन है कि 100 डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच इज 1 मिलीमीटर। तो पिच अगर 1 मिलीमीटर है और ये 100 डिविजन्स है, सो हाउ मच कैन 1 मिलीमीटर बी रिटन एज 0.1 सेंटीमीटर बाय 100। तो आपका लीस्ट काउंट कितना आएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये देखिए, तो आपके स्क्रू गॉज का थर्ड वाले में लीस्ट काउंट आ रहा है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये नहीं है, हमारा लीस्ट काउंट होना चाहिए था 0.01 सेंटीमीटर। फोर्थ वाला भी आप चेक कर लीजिए, सेम फॉर्मूला लगाइए लीस्ट काउंट के लिए, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, वो बोल रहा है 1 मिलीमीटर है एंड नीचे 50 है, तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा नीचे 50, इसका मतलब इसका 0.002 सेंटीमीटर आएगा। ये भी आपका लीस्ट काउंट नहीं है, क्योंकि आपका लीस्ट काउंट होना चाहिए था 0.01 सेंटीमीटर। इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं यहां पे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। अ सोर्स ऑफ साउंड एस, एक सोर्स ऑफ साउंड है एस, इज एमिटिंग वेव फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। The source is moving with a speed of 19.4 meters per second at an angle of 60 degrees with the source observer line as shown in the figure. Figure तो यहाँ पे है नहीं, मैं बना देता हूँ figure कैसा होगा। The observer is at rest. The apparent frequency observed by the observer is, ठीक, चलिए सबसे पहले डायग्राम क्या कहता है उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे डायग्राम गिवन था बट हम बना भी लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पे आपका सोर्स है, यहां पे आपका ऑब्जर्वर है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको बोला जाएगा सोर्स ऑब्जर्वर लाइन, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो सोर्स है वो एट एन एंगल 60 डिग्रीज निकल रहा है। सो हम यहां से एट एन एंगल 60 डिग्रीज इस तरह से हम लिखेंगे वी एस, जिसकी वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है, उसकी वैल्यू है 19.4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब इस चीज को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज अगर आपको पता होना चाहिए कि डॉपलर्स इफेक्ट में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मतलब
कि डॉपलर्स में जब आप अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? सो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि एफ ए, उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। याद रखिए ये बीच में जो प्लस और माइनस है, यहां पे प्लस और माइनस होता है एक्चुअली, ये साइन कन्वेंशंस चेंज होते हैं, बट मैं सिर्फ प्लस लिख रहा था। प्लस और माइनस किस तरह से लिखना है उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे कि साइन कन्वेंशन बेसिकली आप कैसे लेते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग अभी। पर ये जनरल फॉर्मूला है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का। एफ ओ जो मैंने यहां पे लिखा है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में दी हुई है, 100 हर्ट्ज आपको दिया हुआ है, तो इस चीज का तो कोई टेंशन नहीं। वेलोसिटी ऑफ साउंड भी आपको दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी हम यहां पे लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? 330 मीटर्स पर सेकेंड। यहां पे गलती हो गई, यहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर नहीं है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इन प्लस और माइनस के बारे में क्या टेंशन है वो जरा देख लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो अपने पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, अपने पास वेलोसिटी ऑफ साउंड भी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये भी हमको पता है। चलिए अब जरा डिस्कशन करते हैं इस डायग्राम के बारे में। अगर आप ये डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जर्वर तो कहीं और है, सोर्स कहीं और जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऑब्जर्वर की और सोर्स के बीच में एक चीज आप याद रखिए, जो सोर्स की वेलोसिटी होगी जो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, वी सोर्स की वेलोसिटी जो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं वो ऑब्जर्वर की दिशा में होनी चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको इस तरह से रिजॉल्व कर देंगे, तो ये चीज हो जाएगी वी एस साइन 60, बिकॉज ये एंगल 60 डिग्री का था, और ये हो जाएगा वी एस कॉस 60, यानी कि 19.4 इंटू कॉस 60, यानी कि 19.4 डिवाइडेड बाय 2, 9.7 मीटर्स पर सेकेंड। सो 9.7 मीटर्स पर सेकेंड शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स दैट विल बी टेकन इनटू दिस फॉर्मूला। वन मोर थिंग जो आप यहां पे यूज कर सकते हैं, जो यहां पे साइन कन्वेंशन होगा, आप हरदम ऑब्जर्वर टू सोर्स का जो साइन कन्वेंशन होगा वो आप पॉजिटिव लेंगे। इस चीज को मैं आपको लगाना सिखा देता हूं, प्लीज पे अटेंशन। डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए एफ ए, ये आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो आपने निकालनी है। एफ नॉट आपके पास 100 है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एक ब्रैकेट डाल दीजिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है आपका? वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 है, ये लिख लीजिए। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर की तरफ बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है ना? क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। साफ साफ मेंशन किया गया है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। तो अगर ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो यहां का साइन कन्वेंशन क्या है उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। पर चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि नहीं, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहां पे तो क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लेनी है वो तो जीरो लेनी है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है रेस्ट पे, तो साइन कन्वेंशन के बारे में चर्चा करके तो मतलब नहीं है। पर सपोज कीजिए ऐसा नहीं होता, वो बोलता है कि ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ भाग रहा है, तो अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा होता तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता। मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जर्वर टू सोर्स आपको पॉजिटिव लेना है, तो क्या ऑब्जर्वर टू सोर्स का साइन कन्वेंशन अगर पॉजिटिव है, मतलब जो भी चीज इस एरो जैसी दिखेगी उसको आपने पॉजिटिव लेना, क्या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, तो अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आप पॉजिटिव लेते हैं। अगर ऐसा बोलता है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उस तरफ होती, तो ये एरो के ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है ना, तो नेगेटिव लेंगे। हरदम ऑब्जर्वर टू सोर्स आपने पॉजिटिव लेना, इस बात का आपने ख्याल रखना। चलिए सोर्स के टाइम पे आएगा तो बेटर आपको एक बार और समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम कुछ नहीं लिख रहे, डिवाइड साइन डाल दीजिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड आ रहा है 330 लिख लीजिए। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ सोर्स की हमें बात करनी है, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना लेना है हम लोगों को, 9.7 लेना है, जो आपने पहले निकाल के रखा। पर क्या प्लस 9.7 की माइनस 9.7, इस बारे में तो चर्चा करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोर्स की वेलोसिटी का एरो देखिए,
सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ जा रही है और हम लोग ऑब्जर्वर टू सोर्स पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ये एरो पॉजिटिव है पर इस एरो के ऑपोजिट जा रहा है आपका सोर्स, इसका मतलब आप यहां पे क्या लेंगे माइनस, खाली इसको आपको सॉल्व करना है ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 330 और ऊपर वैसे भी दो जीरो आप डालेंगे एंड 330 माइनस अगर आप 9.7 करेंगे तो ये आएगा 320.3। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट अराउंड 103 हर्ट्ज। दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, जो सी ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा।